हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस जी अकेडमी। दोस्तों, हम लोगों का टॉपिक चल रहा था किंगडम एनिमेलिया, और किंगडम एनिमेलिया ने एनिमेलिया में हम लोगों ने फाइलम सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा और प्लेटीहेलमेंथीज, ये तीन फाइलम हम लोगों ने पढ़ रखे थे। आज हम लोग करने वाले हैं फाइलम एस्केहेलमेंथीज को। देखिए, एस्केहेलमेंथीज का क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा नहीं था, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने किया क्या है कि जो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे उनको भी, और जो जो फाइलम एस्केहेलमेंथीज का आपका छोटा सा क्लासिफिकेशन है उसको भी, इस पूरे के पूरे हम दोनों के दोनों टॉपिक को आज के ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए, आप पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, हम फाइलम इसके पहले हम लोगों ने एस्केहेलमेंथीज के पहले फाइलम प्लेटीहेलमेंथीज पढ़ा था। तो प्लेटीहेलमेंथीज के सबसे पहले बात निकल के आई थी कि इनको हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, फ्लैट वर्म कहते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग फाइलम एस्केहेलमेंथीज की अगर हम लोग बात करते हैं, तो एस्केहेलमेंथीज के जो भी एनिमल होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेड वर्म या राउंड वर्म कहते हैं। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग राउंड वर्म के नाम से ज़्यादा जानते हैं हम लोग इनको। ये भी जो एनिमल इसके होते हैं आपके, ये भी पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं। जैसे आपने टीनिया सोलियम देखा था, पढ़ा तब भी था हम लोगों ने, तो टीनिया सोलियम हमारे पेट के अंदर रहता है, पेट में रहता है। उसी तरीके से एलिमेंट्री कैनाल में रहता है वो, आप ज़्यादा डिटेल में मत जाइएगा। पेट का मतलब वो एलिमेंट्री कैनाल वाला रीजन ही हम बात कर रहे हैं उसकी। तो जो ये एस्केहेलमेंथीज होते हैं, ये राउंड वर्म होते हैं, ये आपके छोटे छोटे होते हैं आपके, और ये भी हमारे क्या होते हैं, हमारे पेट में रहते हैं, कई सारे प्लांट्स में रहते हैं, कई सारे एनिमल्स में रहते हैं, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट दोनों जगह पर रहते हैं आपके, और प्लांट में भी रहते हैं। तो इस जो जितने भी इस एस्केहेलमेंथीज के मेंबर होते हैं, ये सारे के सारे जो मेंबर होते हैं इनको हम लोग कॉमनली थ्रेड वर्म या राउंड वर्म कहते हैं, क्योंकि ये पूरे के पूरे गोल गोल होते हैं और इनमें कोई सेगमेंटेशन वगैरह चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए इसके हम लोग अगर कैरेक्टर की बात करते हैं, तो जितने भी एनिमल होते हैं इनमें ज़्यादातर आपके एंडोपैरासाइट होते हैं। इसमें सिर्फ दो ही तरीके के होते हैं, या तो एंडोपैरासाइट होंगे या तो आपके फ्री लिविंग होंगे। तो जो भी एंडोपैरासाइट होते हैं वो एनिमल में और प्लांट दोनों में क्या होते हैं, आपके एंडोपैरासाइट की तरह पर रहते हैं, और कुछ एनिमल या कुछ एस्केहेलमेंथीज ऐसे भी होते हैं जो कि आपके क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग इनकी बॉडी की बात करते हैं, तो ये 1 मिलीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक लंबे भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कहाँ कौन सा रह रहा है उसके अकॉर्डिंग है आपका। ठीक है, अब 1 मीटर लंबा तो हम लोगों के अंदर नहीं होता, हम लोगों के अंदर छोटा वाला ही पाया जाता है, जिसको कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं, एस्केरिस कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी रहेगी, है ना। इसके बाद में अगर हम लोग इनकी बॉडी की बात करते हैं, तो इनकी बॉडी एक सिलेंड्रिकल बॉडी लिए हुए होते हैं, इलांगेटेड होते हैं आपके। इसके अलावा इनमें किसी भी तरीके का कोई सेगमेंटेशन का प्रोसेस नहीं होता, यानी कि इनमें सेगमेंट, जैसे आपने टीनिया सोलियम देखा था, टीनिया सोलियम में क्या था कि बॉडी में क्या था कि बॉडी में छोटे छोटे सेगमेंट्स थे उसके बॉडी में, उसी तरीके से इनमें क्या होता है कि कोई बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती, पूरी की पूरी एक बॉडी सिलेंडर के शेप की होती, जैसे ये है आपका, इसी तरीके की पूरी एक यूनिफॉर्म बॉडी होती है और पूरी सिलेंड्रिकल होते हैं, मोस्टली गोल होते हैं, इसी वजह से इनको हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, राउंड वर्म कहते हैं। अब देखिए, एक यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेपर्ड एट बोथ एंडेड। तो टेपरिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो दोनों तरफ होता है, यानी कि जैसे ये आपका एनिमल है, तो इस एनिमल में इधर का रीजन और इधर का रीजन जो होगा वो क्या होगा, पतला होगा आपका। तो उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, टेपरिंग कहते हैं। जैसे आप एस्केहेलमेंथीज का डायग्राम भी देख रहे हैं, तो एस्केहेलमेंथीज का जो डायग्राम होता है ये आपका थोड़ा सा इस तरीके से होता है, आपका बीच में थोड़ा सा ये मोटा होता है और ये इधर ऊपर नीचे साइड से आपका क्या होता है, पतला होता है। तो यही हमारा टेपरिंग होते हैं, और यहाँ पर ये जो जो नीचे वाला रीजन होता है ना, ये आपका थोड़ा सा ऐसे मुड़ा हुआ रहता है आपका। तो यहाँ पर आपका क्लोका होता है, आपका जो और भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं वो सारे के सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो भी यहीं पर पाए जाते हैं आपके। अगर हम लोग बात करते हैं, तो इनमें जो सीडो सील होती है आपके, देखो पिछले वाले टॉपिक में हम लोगों ने सीलोम की बात की थी, ठीक है। तो सीलोम हमने बताया था कि जो बॉडी वॉल होती है और जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल होते हैं उसके बीच में आपकी एक कैविटी पाई जाती है, उस कैविटी को हम लोग सीलोम बोलते हैं। तो जो प्लेटीहेलमेंथीज जो था उसमें आपकी सीलोम नहीं पाई जा रही थी, तो उनको हम लोगों ने क्या कहा था, एसीलोमेट कहा था। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने प्लेटीहेलमेंथीज का वीडियो नहीं देख रखा है, तो उसका लिंक आपको आई बटन में है, आप वहाँ पर से जाकर के उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपके जो एनिमल पाए जा रहे हैं उनमें क्या है, सीडोसील है। तो सीडोसील का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी बॉडी वॉल है और ये आपके अंदर एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर क्या हो गई, बॉडी वॉल हो गई आपकी, और ये आपकी यहाँ पर क्या हो गई, एलिमेंट्री कैनाल हो गई आपकी, ठीक है। ये एलिमेंट्री कैनाल है। अब क्या है कि इसके बीच में ये जो स्पेस है, तो इसके स्पेस में क्या होता है कि इस तरीके के छोटे छोटे पाउच पाए जाते हैं आपके, और यही जो पाउच होते हैं ये आपके पाउच क्या होते हैं कि ये स्यूडो सील का फॉर्मेशन कर देंगे।
UDO, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जितने भी एसके हेलमेंथीस के मेंबर होते हैं इनमें बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में क्या होता है कि सीलोम के छोटे छोटे पाउच पाए जाते हैं और उन सीलोम के छोटे छोटे पाउच को हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडोसील कहते हैं। अब ये स्यूडोसील जो बनी होती है कहाँ से बनी होती है, तो जो ब्लास्टोसील होती है ना, जो जर्मिनेशन जब हो रहा होता है तो उस टाइम पर जो ब्लास्टोसील बन होती है उसी से ही ये बनी हुई होती है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये ब्लास्टोसील से सीलोम फॉर्मेशन होता है आगे। अब देखिए यहाँ पर इनमें कई सारे ऑर्गन इनमें प्रेजेंट होते हैं और कई सारे एब्सेंट होते हैं, तो उसी तरीके से जो एलिमेंट्री कैनाल होती है आपकी वो इनमें और नर्वस सिस्टम, तो ये एलिमेंट्री कैनाल और नर्वस सिस्टम इनमें पाए जाते हैं फुली डेवलप कंडीशन में, यानी कि नर्वस सिस्टम तो उतना डेवलप नहीं होता लेकिन एलिमेंट्री कैनाल फुली डेवलप होती है। अब फुली डेवलप मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग प्लेटी हेलमेंथीस से कंपेयर करें तो प्लेटी हेलमेंथीस में माउथ तो प्रेजेंट था लेकिन एनस नहीं प्रेजेंट थी, लेकिन इनमें क्या होता है कि इनमें पूरे के पूरे एनिमल में यहां पर इनका छोटा सा माउथ होता है और ये पूरी की पूरी यहां पर ये एनस होती है। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें दिखाई पड़ती, हम लोगों को पता होता है कि इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो पूरी होती है, तो इस वजह से इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है थोड़ा प्लेटी हेलमेंथीस से डेवलप कंडीशन में होता है और पूरा का पूरा डेवलप होता है। नर्वस सिस्टम वही आपका बेसिक सा नर्वस सिस्टम होता है, बहुत ज्यादा एडवांस नर्वस सिस्टम यहां पर नहीं पाया जाता है आपके। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की और रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होते हैं कि एब्सेंट होते हैं, ये दोनों के दोनों सिस्टम यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है कि एलिमेंट्री कैनाल पूरी की पूरी माउथ टू एनस पाई जाती है, नर्वस सिस्टम पाया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो ये दोनों सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम लोग इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है आपका। अब देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है तो उसके साथ साथ में क्या होता है कि यहाँ पर एक टर्म है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म आपकी इसमें पाई जाती है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि जहाँ पर मेल और फीमेल ये दोनों के दोनों जो एनिमल होते हैं ये आपके क्या हैं, अलग अलग हों, तो इस तरीके के जो भी एनिमल होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं, जिसमें से जो आपका फीमेल होती है वो आपकी थोड़ी सी बड़ी होती है और जो मेल होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है कि क्या क्या यहाँ पर पाया जाता है आपका। तो ये तो था आपका थोड़ा सा एक बेसिक इंपॉर्टेंट करेक्टर्स है आपके, जो कि आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अक्सर एग्ज़ाम में जो टर्म पूछा जाता है वो सीडोसील से पूछा जाता है आपका, और इसके अलावा ये एंडोपैरासाइट फ्री लिविंग से पूछा जाता है, और यहाँ पर पूछा जाता है ये एलिमेंट्री कैनाल से कि फर्स्ट टाइम कौन से किंगडम के फर्स्ट टाइम कौन से फाइलम के एनिमल में हमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट देखने के लिए मिली थी। तो सबसे पहला फाइलम कौन सा था, एसके हेलमेंथीस, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल आपकी कंप्लीट थी माउथ टू एनस, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है लेकिन नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेकिन वेल डेवलप नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता आपके कोशेंस ऑर्गन वगैरह के साथ में पाया जाता है। इसमें आपका सेक्स जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो आपको फुली डेवलप कंडीशन में होता है, लेकिन इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो अलग अलग एनिमल में होते हैं, इसी वजह से सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में होता है, एक मेल अलग होता है फीमेल बॉडी अलग होती है। तो ये इनके इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं। अब देखिए अगर हम लोग इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन में इसकी दो क्लासेस डिवाइड की गई हैं, एक आपकी क्या है कि प्लाज्मीडिया नाम की क्लास है और दूसरी आपकी क्लास क्या है, एप्लाज्मीडिया नाम की क्लास है। अब देखिए नाम अगर इनके हम लोग देखें तो इनमें यहाँ पर एक नाम निकल के आ रहा है प्लाज्मीडिया और यहाँ पर भी प्लाज्मीडिया, तो इसका मतलब इससे कोई रिलेटेड कोई मेन फीचर है जो कि इनमें पाया जा रहा होगा। अब देखिए इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है तो उसका इसका क्लासिफिकेशन दो बेसिस में किया गया है, एक सेंस ऑर्गन और दूसरा कॉडल ग्लैंड। दो चीजें इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसके हेलमेंथीस का जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस में किया गया है, तो एसके हेलमेंथीस का क्लासिफिकेशन सेंस ऑर्गन और जो कॉडल ग्लैंड होती इन दोनों को आधार बनाकर, इन दोनों को बेस बनाकर के किया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा बाकी चीजें आप याद रखेंगे।
आप देखिए प्लाज्मीडिया नाम की जो क्लास है आपकी, इसके जितने भी एनिमल होते हैं वो आपके पैरासिटिक कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है कि एक पेयर आपका सेंस ऑर्गन पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड्स कहते हैं, ठीक है। ये आपका वो बैक्टीरिया वाला प्लाज्मिड नहीं, ये सेंस ऑर्गन का नाम है जो कि किसमें पाया जाता है, फाइलम एसके हेलमेंथीस के मेंबर में पाया जाता है। एक चीज और आपको याद रखनी है कि ये जो सेंस ऑर्गन होता है ये कहां पर होता है, लोअर बॉडी में होता है। ये चीज आपको ध्यान देनी है कि ये वाला जो सेंस ऑर्गन प्लाज्मिड्स है आपका, ये एसके हेलमेंथीस के मेंबर में पाया जाता है, और किधर पाया जाता है, बॉडी के लोअर पोर्शन में पाया जाता है, और ये जो होता है वेल डेवलप सेंस ऑर्गन होता है। तो ये चीज आपको और यहां पर ध्यान देनी है कि ये वाला जो सेंस ऑर्गन होता है वो कैसा होता है, कि वेल डेवलप होता है आपका, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान देनी। उसी तरीके से जो दूसरा सेंस ऑर्गन होता है आपका एफिड्स है आपका, तो ये जो दूसरा सेंस ऑर्गन है एफिड्स, ये भी आपका एसके हेलमेंथीस के मेंबर में पाया जाता है, लेकिन ये बॉडी की अपर बॉडी में पाया, जो भी एनिमल होता है उसकी अपर बॉडी में पाया जाता है, लेकिन ये आपका फुली डेवलप कंडीशन में इस क्लास के मेंबर में नहीं पाया जाता है। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान देनी है, ठीक है। अब मैं इसको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि प्लाज्मीडिया नाम की जो क्लास होती है इसमें जो भी एनिमल पाए जाएंगे वो पैरासिटिक फॉर्म में होंगे आपके। इनमें सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, दो तरीके के सेंस ऑर्गन होते हैं, एक आपका प्लाज्मिड्स नाम का सेंस ऑर्गन होता है, दूसरा आपका एफिड्स नाम का सेंस ऑर्गन होता है। एफिड्स नाम का जो सेंस ऑर्गन होता है ये बॉडी के अपर पोर्शन यानी माउथ साइड वाले पोर्शन में पाया जाएगा, जो कि वेल डेवलप नहीं हो गया, यानी कि इसका जो डेवलपमेंट है ये कम है आपका, ये कम डेवलप है आपका। लेकिन जो प्लाज्मिड है जो बॉडी के लोअर सर्फेस में पाया जा रहा है, ये आपका फुली डेवलप है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि कौन फुली डेवलप है और कौन लेस डेवलप है आपका। इसके बाद में यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कॉटल ग्लैंड की। तो कॉटल ग्लैंड इसमें क्या होती हैं, आपकी एब्सेंट होती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है यहाँ पर कि कॉटल ग्लैंड यहाँ पर एब्सेंट होती हैं। अब देखिए कॉटल ग्लैंड होती क्या है, तो कॉटल ग्लैंड को एक बॉडी बॉडी के लोअर पोर्शन में पाई जाने वाली कुछ ग्लैंड होती जो दो पेयर से लेकर के पांच पेयर के बीच में हो सकती हैं आपकी, ठीक है। इनका ये एक तरीके का स्टिकी सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं जो कि कहीं पर भी अटैच होने का काम करता है, तो ये एक इनका मेन काम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि इस क्लास में क्या होता है कि जो कॉटल ग्लैंड होती है वो नहीं पाई जाती हैं। एग्जाम्पल आप एस्केरिस याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी आपकी क्लास कौन सी है, अप्लाज्मीडिया है। तो अप्लाज्मीडिया का मतलब कि जिसमें आपका क्या होगा कि प्लाज्मिड जो होगा, जो प्लाज्मिड नाम की जो सेंस ऑर्गन होगा वो नहीं पाया जाएगा। मोस्टली इसके जो एनिमल होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, इसके पैरासिटिक, इसके आपके फ्री लिविंग। इसमें आपका जो प्लाज्मिड होगा वो नहीं पाया जाएगा, इसमें आपका प्लाज्मिड पाया जाता है। डिफरेंस आप देखें, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये पैरासिटिक ये फ्री लिविंग। इनमें आपका जो प्लाज्मिड होगा बहुत ही वेल डेवलप कंडीशन में होगा, लेकिन इसमें पाया ही नहीं जाएगा। उसी तरीके से एफिड्स की अगर बात करते हैं, तो एफिड्स इनमें पाया जाएगा सेंस ऑर्गन, लेकिन इनमें जो एफिड्स पाया जाता है वो वेल डेवलप कंडीशन में नहीं होता, यानी लेस डेवलप होता है। इनमें कॉटल ग्लैंड एब्सेंट होती है, लेकिन इसमें कॉटल ग्लैंड आपकी पाई जाती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ इनके करेक्टर्स हैं आपको याद रखने हैं। कैपिलेरिया इसका एक एग्जाम्पल है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, तो ये इसकी दो क्लास एस्के हेलमेंथीस की, प्लाज्मीडिया और ए प्लाज्मीडिया। डिफरेंस आप मेन याद रखिए, उसके अलावा बाकी आप सब कुछ भूल जाइए। डिफरेंस सेंस ऑर्गन और कॉटल ग्लैंड के बेस में किया गया है। इसमें आपका सेंस ऑर्गन, दो सेंस ऑर्गन होते हैं, ठीक है। एक आपका प्लाज्मिड्स होता है और दूसरा एम्फिड्स होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि प्लाज्मिड्स और एम्फिड्स हैं। तो प्लाज्मिड्स आपका जो है वो आपका प्लाज्मीडिया क्लास में वेल डेवलप कंडीशन में पाया जाएगा, एम्फिड्स आपके लो अपर बॉडी में लेस डेवलप कंडीशन में पाया जाएगा। लेकिन ए प्लाज्मिड्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर प्लाज्मिड्स नाम का जो सेंस ऑर्गन है वो एब्सेंट होता है, पाया ही नहीं जाता है। लेकिन जो एम्फिड्स नाम का सेंस ऑर्गन होता है ये पाया जाता है, और ये एम्फिड्स अपर बॉडी में पाया जाएगा, जो प्लाज्मिड होता है ये जहाँ कहीं पे मिलेगा लोअर बॉडी में मिलेगा। कॉटल ग्लैंड इसमें एब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है, और ये भी लोअर बॉडी में पाई जाती है, यानी कि नीचे के बेस की तरफ साइड, ठीक है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें थी, आपको मेरे ख्याल से समझ आई होंगी। ये वाला पोर्शन थोड़ा सा आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, तो आप इसको एक बार रिपीट करके दोबारा से सुन सकते हैं, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। और वैसे भी इसका आप देख ही सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें मैंने सारी लिख दे रखी हैं अच्छे तरीके से, और यही मेन पॉइंट है यहाँ पर आपको जो समझाने थे उसको।
तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग अगले फाइलम के एनेलिडा की बात करेंगे, और देखते हैं बीच में कुछ और आ सकता है तो डाल देंगे हम लोग। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारा एस जी एकेडमी का पेज है, हमारा फुल पेज एस जी एकेडमी नीट एन एम्स, इसका जो पेज है आपका ट्विटर में भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, और आपका फेसबुक में भी, तो आप प्लीज़ तीनों जगहों पर जाकर के उसको फॉलो कर लें, और यूट्यूब में हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे हर एक नोटिफिकेशन आप सभी तक आ सके।